વાપીથી વિહાર કરી સેલવાસમાં પધારેલા ફન્યાસ રાશિત રક્ષિત વિષયજી મુનિશ્રી નયર રક્ષિત વિજયજી આદિ ગુરુ ભગવંતોને શ્રી સેલવાસ જૈન સંઘ આદિનાથ જિનાલયમાં સકળ સંઘના ભાઈઓ બહેનોએ ઉમળકા ભેર આવકાર આપી નગર પ્રવેશ કરાવ્યો હતો। સેલવાસના આદિનાથ જિનાલયમાં જૈન સંઘ દ્વારા ત્રિદિવસીય પ્રવચન માળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગુરુ ભગવંતોએ પોતાના પ્રવચન આપ્યા હતા। જૈન સમાજ મે આજ હમારે પૂજ્ય ગુરુદેવ રાજ રક્ષિત વિજયજી મહારાજ સાહેબ, નયન રક્ષિત વિજયજી મહારાજ સાહેબ યહાં પે પધારે હુએ હૈ, જો યુવાઓ મેં એક નઈ પ્રેરણા નઈ જાગૃતિ કા સંચાર કર રહે હૈ। આજ યુવા કિસ દિશા મેં જા રહા હૈ ઉસકે લીએ યુવાઓ કો સમજાયા જા રહા હૈ और बहुत ही सुंदर उनकी वाणी, उनके शब्द और उनका जो भाव भरा प्रवचन होता है, आज युवा उनकी तरफ दिल से आकर्षित हो रहे हैं। आज भी आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया कि आज आदमी को कैसे जीना चाहिए। उसमें तीन मुख्य बातें भी बताई, संयम, सहाय और समता। ये तीन चीज़ आदमी में बहुत होनी ज़रूरी है कि हर आदमी ऐसा काम करे, हर युवा ऐसा काम करे। जैन समाज हमेशा हर किसी के काम के लिए हमेशा आगे रहता है और हर आदमी की सहायता करनी चाहिए। इसमें कोई जातिवाद धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, सब धर्म समान है, सबकी सहायता होनी चाहिए। और यही महाराज साहब अभी तीन दिन का कार्यक्रम है, कल एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। और जन समूह भी उनके प्रवचन और उनकी वाणी को सुनकर बहुत आकर्षित हो रहा है। युवा, विशेषकर युवा और युवतियाँ बहुत आकर्षित हो रही है उनकी तरफ। और मैं तो सबसे विनती करूंगा कि आप लोग भी इन प्रवचनों में आए और अपने जीवन को धन्य बनाने में योगदान दें। अभी आज ही उनकी प्रेरणा से आज महावीर जैन युवा मंडल ने एक निर्णय लिया है और एक शपथ ली है कि हम लोग अभी गर्मी का मौसम जो चल रहा है उसमें सभी आमजन को, किसी को गरीब या निरीह को नहीं, जो भी उनके सामने उनके रास्ते में आएगा उनको छाछ की व्यवस्था फ्री में छाछ पिलाएंगे और गर्मी से राहत दिलाएंगे। और भी आगे कई प्रेरणाएं युवाओं ने लिए जो धीमे धीमे उनको मतलब कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।